हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेमिंग थंबनेल अपने यूट्यूब चैनल में कैसे लगाया जाता है। अपने एंड्रॉइड मोबाइल से बहुत ही आसानी से अपने यूट्यूब में गेमिंग थंबनेल लगा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्योंकि दो तरीका से अपने यूट्यूब में गेमिंग थंबनेल आप लगा सकते हो या कोई भी थंबनेल आप लगा सकते हो। तो एक तो ये वाइट स्टूडियो से आप लगा सकते हो और दूसरा है क्रोम ब्राउज़र से आप लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, वाइट स्टूडियो से कैसे लगा देते हैं आपने साइड में आप देख ही सकते। तो फ्रेंड, वाइट स्टूडियो से गेमिंग थंबनेल लगाने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको सर्च कर लेना होगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा वाइट स्टूडियो। सिंपली इसमें आपको जैसे सर्च करेंगे वाइट स्टूडियो, आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली इस एप्लीकेशन को इधर से सिंपली होम स्क्रीन से ओपन कर लेना है और वाइट स्टूडियो में अपना जो चैनल है इसमें लॉग इन कर लेना है। और इसमें जैसे लॉग इन करेंगे आपको व्यू मोर बोल के एक ऑप्शन मिलेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको मिलेंगे और इधर में जिस में आपने थंबनेल लगाना चाहते हो उसी वीडियो में आपको टच कर देना है। जैसे इस वीडियो में मैं टच करता हूँ और इधर में एक पेन वाला आइकन आपको देखने को मिलेंगे, सिंपली पेन वाला आइकन में टच कर देना है। और जैसे पेन वाला आइकन में टच करेंगे आपको इधर में और एक पेन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली इस पेन वाला ऑप्शन में जैसे टच करेंगे आपको इधर में कस्टम थंबनेल बोल के एक ऑप्शन मिलता है। सिंपली कस्टम थंबनेल में जैसे टच करते हो आपको इधर में आपके फाइल के में लेके आएंगे और इधर में जो भी आपके थंबनेल ऑलरेडी आपके बना के रखा हो तो उसी थंबनेल को इधर में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने इधर में सिलेक्ट करने ऊपर में और एक सिलेक्ट बोल का ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट में जैसे क्लिक करेंगे इधर में और एक ऑप्शन मिलेंगे सेव वाला ऑप्शन, सेव जैसे करेंगे आपके जो थंबनेल है इधर में सेव हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो कुछ इस सब से आपने वाइट स्टूडियो के अंदर से भी अपने थंबनेल इधर में लगा सकते हो और है क्रोम ब्राउज़र से। तो फ्रेंड, अपना चैनल का थंबनेल आप क्रोम ब्राउज़र से भी लगा सकते हो। सिंपली अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके ओपन में करने के बाद आपको यूट्यूब में टच कर देना है। यूट्यूब में जैसे टच करेंगे आपको ऊपर में थ्री डॉट मिलेंगे, थ्री डॉट में क्लिक करते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको इसमें डेस्कटॉप बोल के एक ऑप्शन मिलकर डेस्कटॉप में टच करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। सिंपल आपको इसमें जो कि अपना चैनल को लॉग इन कर लेना है और अपने चैनल को लॉग इन करने के बाद सिंपली जो अपना चैनल का जो लोगो है लोगो में टच करते ही आपको इधर में यूट्यूब स्टूडियो बोल के ऑप्शन है, यूट्यूब स्टूडियो में टच कर देना है। और यूट्यूब स्टूडियो में जैसे टच करेंगे आपने इधर में देखेंगे आप वीडियो अपलोड का ऑप्शन, जैसे आपने वीडियो अपलोड ऑप्शन में टच करेंगे आपको इधर में आप वीडियो अपलोड ऑप्शन में आपको लेके आएंगे। इधर में आपको एक वीडियो फाइल अपलोड करना बोलेंगे तो जैसे आपने मतलब आपने इधर में वीडियो अपलोड करने के टाइम पे ही आपने इधर में थंबनेल लगा सकते हो। तो इसलिए जैसे ही आपने वीडियो का जो फाइल है फाइल इधर में जैसे आपने सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद आपने जो वीडियो है वीडियो इसी क्रोम ब्राउज़र से वो अपलोड होते जाएंगे। फिर उसी टाइम में थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे नीचे आएंगे तो टाइटल उसके रिलेटेड वीडियो है ये टाइटल लिख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके नीचे कुछ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इधर में आप देख सकते हो कि यूट्यूब वीडियो जो कि थंबनेल लगाने का ऑप्शन, थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन, सिंपली इसी थंबनेल अपलोड वाला ऑप्शन में टच करते ही आपने जो भी फाइल जो भी इमेज है आपने लगाना चाहते हो उसी इमेज में जैसे टच करेंगे तो इधर से भी आपने बहुत ही आसानी से अपने थंबनेल को भी लगा सकते हो। उसके बाद जो नीचे बहुत सारा ऑप्शन है टैग टैग रिकॉर्डिंग कौन सा डेट में वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है, तो ये टोटली ये जो है आपको क्रोम ब्राउज़र से भी आप यूट्यूब वीडियो अपलोड भी कर सकते हो और थंबनेल भी बना सकते हो। इसके बाद बहुत ही आसानी से नेक्स्ट 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 प्रोसेस में सिलेक्ट करते ही आपने ऊपर में सेव वाला ऑप्शन आएंगे, सिंपली सेव करते ही आपके वीडियो भी पब्लिश हो जाएंगे और उधर से भी आपने सब कुछ लिख भी सकते हो टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन। तो एक ही साइट से आपको बहुत ही आसानी से सारा के सारा काम आपको क्रोम ब्राउज़र से हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है सभी के सभी लोग मतलब ज़्यादा किस्तर लोग जो कि क्रोम ब्राउज़र से ही यूट्यूब वीडियो को अपलोड देता है, थंबनेल भी क्रोम ब्राउज़र से ही लगा देता है, जैसा कि मैं भी यूट्यूब वीडियो को थंबनेल क्रोम ब्राउज़र से भी लगाता हूँ, एक साथ में सभी के सभी काम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड बेल आइकन घंटे पर दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए इतने भी से एक नया वीडियो के चाहे जनता बोले जय हिंद, वंदे मातरम।